क्या हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है? अमेरिका कैसे हिंदुओं को अनपढ़ कहने वाले देश में आज पढ़े लिखे हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है? अमेरिका में बने हिंदू मंदिर और हिंदू स्कूल दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी पर दिख रहा है। सनातन का असर क्या रिकॉर्ड बना रहे हैं? अमेरिका के हिंदू स्कूल क्या सच में अमेरिकन योग और ध्यान कर रहे हैं? जानेंगे इन सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में, जिन्हें सुनकर भारत भी चौंक जाएगा। दोस्तों, 1947 से पहले और उसके काफी लंबे समय बाद तक भी पश्चिमी देशों के लोग भारतीयों को गवार, अनपढ़ और असभ्य मानते थे, उनसे दूर भागते थे और विदेशों में गए हर भारतीय की इंसल्ट भी करते थे। लेकिन अब अंग्रेजों के देश में सनातन की लहर दौड़ रही है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में हिंदुओं की आबादी, सनातन परंपराएं और देवी देवताओं के मंदिर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज से 20 साल पहले जिस अमेरिका में सिर्फ 435 मंदिर हुआ करते थे, आज उसी अमेरिका में 1000 से भी ज्यादा हिंदू मंदिर मौजूद हैं। जिस अमेरिका में कभी भारतीयों को, खासकर हिंदुओं को, जाहिल समझा जाता था, आज उन्ही हिंदुओं ने अमेरिका में 31 हिंदू स्कूल बना दिए हैं। ये तो कुछ नहीं, इन 31 स्कूलों में 200 हद से ज्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और ऐसा हम नहीं बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट द्वारा जारी आंकड़े कह रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में हिंदू धर्म की लहर तेजी से दौड़ रही है। साल 2008 में अमेरिका में हिंदू आबादी के आंकड़े देखे जाए तो ये सिर्फ 9 लाख ही थे, लेकिन सिर्फ 15 सालों में पानी साल 2024 तक अमेरिकन हिंदुओं की आबादी बढ़कर 9 लाख से 22 लाख पहुंच चुकी है। इस हिसाब से अमेरिका में सिर्फ 15 सालों में हिंदुओं की आबादी 2 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है। इतना ही नहीं, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की माने तो अमेरिका में आने वाले नए साल पानी की तक हिंदुओं की जनसंख्या 28 लाख के आंकड़ों को भी पार करने वाली है। यानी अमेरिका की टोटल 33 करोड़ की आबादी में 28 लाख हिंदू ही नजर आएंगे। अमेरिका में सिर्फ हिंदुओं की आबादी ही नहीं बल्कि उनके धार्मिक स्थलों की भी बढ़ोतरी हुई है। एक समय था जब अमेरिका में एक भी हिंदू धार्मिक स्थल, पूजा गृह, मंदिर नजर नहीं आता था। साल 2008 तक जैसे जैसे पर संख्या 435 तक पहुंच गई, लेकिन अब अमेरिका में सनातन धर्म इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि यहां मंदिर हजार की संख्या तक रहा है कि यहां मंदिर हजार की संख्या तक पहुंच गए हैं। इससे ये साबित होता है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही हिंदू भगवान की भक्ति और शक्ति नहीं चलती, बल्कि सनातन धर्म की जड़ें पूरे विश्व में फैली हुई। दुनिया भर में भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां वीर हनुमान से लेकर प्रभु श्री राम के जयकारे दिन रात लगाए जाते हैं, तो कहीं इनके ऐसे विशाल काय स्टैचू देखने को मिलेंगे जिन पर शायद आपको यकीन न हो। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको हिंदू देवी देवताओं पर हक जताने वाले कुछ ऐसे ही देशों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडोनेशिया से। एक समय हिंदू राष्ट्र कहा जाने वाला इंडोनेशिया आज भले ही मुस्लिम बहुमूल्य देश हो, लेकिन यहाँ के कण कण में हिंदू तो बसता है। तभी तो जहाँ हिंदू बहुमूल्य राष्ट्र होने के बावजूद इंडिया के नोटों में आपको शायद किसी भगवान की फोटो देखने को ना मिले, लेकिन इंडोनेशिया करेंसी में गणेश जी से लेकर उसकी एयरलाइंस में भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ आसानी से दर्शन देते मिल जाएंगे। इन लोगों के बीच हिंदू देवी देवताओं की इतनी आस्था है कि वहां के खतरनाक नवाब लोगों के पास गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि तकरीबन 700 सालों से इनकी रक्षा कर रही है। यही नहीं, यहां आज भी लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जहां पर एक से कर एक प्राचीन मंदिरों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिनमें से एक भगवान विष्णु की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी है, जो स्टैच्यू ऑफ गरुड़ के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। बता दें कि इससे पहले तो यहाँ के लोग पेड़ पौधों की पूजा करते थे, जिस इसके बाद ये धर्म इन लोगों के बीच ऐसा पुतला मिला कि आज यहाँ के मंदिर विश्व की धरोहर में शामिल है, जिन्हें देखने साल के 12 महीने लोगों का तांता लगा रहता है। दूसरा नंबर आता है श्रीलंका का। श्रीलंका आज भले ही बौद्ध धर्म की 70% आबादी से घिरा हो, लेकिन ये बात कहीं भी झुठला नहीं जा सकती, एक वक्त यहाँ पुरुषोत्तम श्री राम का नारा लगता था। महासागर के मोती कहे जाने वाले इस देश में आज हिंदू 12 प्रत के साथ भले ही पपले में कम हो, मगर इनका अस्तित्व हमेशा से नंबर एक पर रहा है, जिसका सबूत खुद यहां पर वक्त बेवक्त मिलने वाले प्राचीन मंदिर दिया करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम और माता सीता के जीवन का अहम हिस्सा श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रूफ खुद साक्षात रामायण है, और यहां के लोग भी भारत की तरह इनकी पूजा अर्चना भी उसी श्रद्धा के साथ करते हैं। अगला नंबर आता है जापान का। बाकी देशों की तरह जापान के लोग भी सनातन धर्म से काफी प्रभावित हैं, जिसके बारे में संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ गोल्डन लाइट सूत्र के जापानीज अनुवाद में बारीकी से लिखा गया है। हैरत की बात तो यह है कि जापानीज ने इसी ग्रंथ की मदद से न सिर्फ हमारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, बल्कि उनकी मूर्तियां बनाकर आराधना भी की। तभी तो दोस्तों, जापान के साथ सबसे प्रमुख भगवानों में से 4 हिंदू भगवान ही हैं। यहां आपको लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव भगवान जैसे देवी देवताओं की न सिर्फ मूर्ति मिलेगी, बल्कि कई प्राचीन मंदिर भी मिलेंगे। बस फर्क इतना है कि उन्होंने देवी देवताओं का नाम अपने जापानीज तौर तरीके से रखे हैं, मगर मूर्तियां हिंदू भगवान के नक्शे कदम पर ही तैयार हुई है।
दोस्तों ये हिंदू इन्फ्लेमेशन होने के कई कारण हैं, जैसे कि यहाँ पर मौजूद 31,000 से अधिक इंडियन पॉपुलेशन या फिर इससे 1,000 साल पहले चाइनीज और वियतनाम साम्राज्य के कारण रखी गई संस्कृत और हिंदू कल्चर की छाप हो सकती है। अगला नंबर आता है अमेरिका का। दोस्तों वैसे तो अमेरिका और भारत के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है, मगर शोधकर्ताओं की माने तो 8 से 9 लाख वर्ष पहले यहां ऐसी विलक्षण वानर जाति रहती थी जिसका सीधा संबंध संकट मोचन हनुमान यानी हमारे बजरंग बली से है। अमेरिका के जंगलों में पाई गई इस रहस्यमयी सभ्यता को भी कहा जाता है। उसकी खोज मुस्किया के जंगलों में भटक रहे शोधकर्ता जाल से लिंक ने की। इनके मुताबिक यहां के स्थानीय लोग बंदरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं जो कि देखने में इतने विशाल थी कि मानव इसे हजारों लाखों साल पहले बनाया गया हो। जिसके बाद ये खबर दुनिया भर में कुछ ऐसी फैली कि हर कोई लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की खोज में लग गया, जो कि वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा को माना जाता है, जिसके राजा सुग्रीव और बाली थे। कहा जाता है जब हनुमान अपने बेटे मकर ध्वज को बचाने के लिए पाताल लोक गए तो आजकल सेंट्रल अमेरिका और ब्राजील के इन्हीं जंगलों में कई ऐसी स्थित है जहां हनुमान ने अपने बेटे मकर ध्वज को बचाकर उसे यहाँ का राजा घोषित कर दिया, जिसके बाद शायद यहाँ के लोग हनुमान को भगवान की तरह पूजने लगे। अगला नाम आता है थाईलैंड। अभी तक आपने गणेश चतुर्थी में बप्पा की सबसे बड़ी मूर्ति महाराष्ट्र में देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा गणेश भगवान का स्टैचू इंडिया में नहीं बल्कि थाईलैंड में स्थित है। यही नहीं, इन लोगों ने अपने देश की करेंसी पर हिंदू देवी देवताओं को छापा है। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ के लोग मंदिरों में न सिर्फ भगवान शिव की प्रतिमा में हार चढ़ाते हैं बल्कि उसी विश्वास के साथ शिवलिंग पर यहाँ तक गाए जाने वाले नाटकों में रामायण का मिश्रण भी देखने को मिलता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण जो है जिसे थाई भाषा में रामाकिन कहते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ये देश प्राचीन समय में हिंदू राष्ट्र था जहां पर भारतीय बौद्ध राजाओं ने आकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और यह बुद्धिस्ट नेशन में कन्वर्ट हो गया। अगला नाम आता है कंबोडिया का। किसी जमाने ने का कंबोज देश आज कंबोडिया के नाम से मशहूर है। ये देश पहले हिंदू राष्ट्र था और अब बुद्धिस्ट हो गया। यहां महाबली बजरंग बली का इतना प्रभाव है कि सन 1964 में सरकार ने इनके ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 5 स्टैंप निकाल दिए थे। और कुछ दशक बाद बजरंग बली के साथ साथ अन्य देवी देवताओं जैसे सीताराम, लवकुश और रावण तक छाप डाले। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस देश में मात्र 1500 हिंदू है वहां पर ऐसा धार्मिक चमत्कार कैसे। तो दोस्तों माना जाता है 1st सेंचुरी में गोदन नामक एक ब्राह्मण ने यहां पर हिंदू राज्य की स्थापना की थी जिनके नाम पर इसका नाम कंबोडिया पड़ा। और वही कंबोडिया के प्राचीन इतिहास के अनुसार इस देश की नींव भारत के शिव भक्त राजा ने डाली थी। वैसे दोस्तों यहां बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध इस बात की गवाही देते हैं कि कभी इस देश में हिंदू धर्म अपने चरम पर था। अगला नाम आता है न्यूजीलैंड का। दोस्तों न्यूजीलैंड से हिंदू राष्ट्र का प्राचीन संबंध हो या ना हो, लेकिन यहां की वर्तमान स्थिति जोरों शोरों से हिंदू आस्था का संकेत दे रही है, क्योंकि यहां की प्रधानमंत्री खुद श्री कृष्ण के चरणों में आ चुकी है। तो देश के हर एक नागरिक का भक्तिमय होना बेहद आम बात है और इसकी गवाही देता है यहां बना 27 साल पुराना भारतीय मंदिर जिसके 25 साल पूरे होने में काफी शानदार आयोजन भी किया गया। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध चमत्कारी तरीके से दूध पीने वाले गणेश मंदिर का भी यही निर्माण हुआ। बाकी बची खुची कसर इस इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस ने पूरी कर दी, जिससे यहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन हरे कृष्णा के रंग में रंगी। यही नहीं, यहाँ जितने उत्साह से क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है उसी तरीके से ये लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। तो दोस्तों ये थे वो देश जहाँ हिंदू कल्चर काफी फॉलो किया जाता है। आपको भी अगर ऐसे किसी देश के बारे में पता है तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।